एक्सेल नेट ज्ञान की इस अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिकांत सिंह। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज का अध्याय शुरू किया जाए। आज का टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर के विभिन्न आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस जेनरेट कंप्यूटर आउटपुट्स दैट आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, अर्थात आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का आउटपुट दो प्रकार का जेनरेट करता है, यानी कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस दो प्रकार का आउटपुट देता है। पहला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज टेम्पररी इन नेचर बिकॉज इट डज नॉट अपीयर ऑन अ पेपर और सम मटेरियल डेट अ यूजर कैन कैरी फॉर शोइंग टू अदर्स लेटर व्हेन ही सी इज नॉट यूजिंग अ कंप्यूटर। यानी वह आउटपुट जो नेचर में टेम्पररी हो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है, अर्थात वह आउटपुट जिसे आप कंप्यूटर बंद करने के बाद किसी और को नहीं दिखा सकते हैं, यानी जितना देर आपका कंप्यूटर चालू है उतना देर ही वह आउटपुट आपको दिखाई दे, तो वह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। जैसे आप मार्केट में गए साइबर कैफे में और रिजल्ट आप देखे, ऑनलाइन रिजल्ट देख लिए और रिजल्ट देखने के बाद वहां से आप घर आ गए, घर आने के बाद पेरेंट बोले कि रिजल्ट बताओ, तो आप सिर्फ बोल सकते हैं, उसे दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपका जब तक चालू था तभी तक आप उसको देखे। तो वहां पर जो आप रिजल्ट देखे वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट था, क्योंकि इसे आप अब कहीं ले जाके नहीं दिखा सकते हैं। जैसे मोबाइल चालू है और जितना देर चालू है उतना देर ही आप उसको देखते हैं स्क्रीन को, जब मोबाइल बंद कर देंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हुआ। यानी वह आउटपुट जो नेचर में टेम्पररी हो, जिसे आप जिस समय सिस्टम चालू किए हुए हैं, जिस समय उस डिवाइस को चालू किए हुए हैं उतना देर ही दिखाई दे, उसके बाद दिखाई ना दे, तो वह आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। जैसे मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट। A hard copy output is permanent in nature because it appears on a paper or some material that a user can carry for showing to others or for filling and use when he see is not using a computer. अर्थात hard copy output नेचर में परमानेंट होता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर या किसी डिवाइस को बंद कर दे तो उसके बाद भी आप इस आउटपुट को ले जाके किसी और को दिखा सकते हैं। जैसे आप साइबर कैफे गए और वहां रिजल्ट देखने के बाद उस रिजल्ट को प्रिंट कर लिए और प्रिंट करने के बाद फिर घर आए, तो घर पे अगर कोई रिजल्ट शो करने के लिए या दिखाने के लिए बोले कि दिखाओ, तो उस स्थिति में आप उस पेज को दिखा सकते हैं जिस पे आपका रिजल्ट है, तो ये आपका हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाया। यानी हार्ड कॉपी आउटपुट नेचर में परमानेंट होता है, जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी समय किसी को दिखला सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर आउटपुट दो प्रकार का आउटपुट जेनरेट करता है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक हार्ड कॉपी आउटपुट। मॉनिटर अल्टरनेटिवली रेफर्ड टू एज अ वीडियो डिस्प्ले यूनिट VDU और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT। A monitor is a soft copy output device that displays video image to the user. A monitor is made up of circuitry, a screen, a power supply, button to adjust screen settings, and casing that holds all of these components. इसका दूसरा नाम video display unit या video display terminal भी है। यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। इसमें सर्किट, एक स्क्रीन, पावर सप्लाई तथा स्क्रीन एडजस्ट बटन होता है।
और इस सारे कंपोनेंट को एक बॉक्स में रखकर सेट कर दिया जाता है। यह हमारा आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं। कैथोड रे ट्यूब CRT। कैथोड रे ट्यूब इज द इलेक्ट्रॉन बीम्स विद इन अ मॉनिटर डेट मूव अक्रॉस द स्क्रीन। द CRT इन अ कंप्यूटर डिस्प्ले इज सिमिलर टू द पिक्चर ट्यूब इन अ टेलीविजन रिसीवर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम को प्रसारित करके पिक्चर बनाया जाता है। टेलीविजन में जैसे पिक्चर ट्यूब होता है, ठीक उसी तरह इसमें भी एक पिक्चर ट्यूब होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बीम को प्रसारित किया जाता है स्क्रीन पर, जिससे पिक्चर बनता है। इट यूज्ड विथ अ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। इसका प्रयोग नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है। नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम यानी वह कंप्यूटर सिस्टम जिसे एक जगह से उठा के दूसरे जगह आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह बहुत भारी होता है। मेन डिसएडवांटेज आर हेवी वेट, ऑक्यूपाई मोर स्पेस, हाई पावर कंजम्पशन, हाई रेडिएशन एंड सपोर्ट्स लो रेडिएशन। अर्थात इस कैथोड रे ट्यूब का वजन बहुत ज्यादा हुआ करता था, जगह बहुत ज्यादा ये लेता था जहां पर भी इसे रखा जाता था, हाई पावर कंजम्पशन यानी बिजली बहुत ज्यादा ये खपत करता था, रेडिएशन इसका बहुत हाई था और ये इसका रिजोल्यूशन बहुत कम था, यानी इसका पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। तो इसका यूज बहुत पहले होता था, अब इसका यूज बंद हो गया है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइस डेट यूजेस द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स डू नॉट इमिट लाइट डायरेक्टली। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन्स, एयरक्राफ्ट, लैपटॉप्स, सेल फोन्स, कैलकुलेटर्स, डिजिटल कैमराज एंड फ्लैट स्क्रीन डिस्प्लेज। यह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का बना होता है। इसमें सीधे प्रकाश को प्रसारित नहीं किया जाता है, लिक्विड के कण के प्रकाशिकीय गुण का उपयोग कर इसमें पिक्चर बनाया जाता है। इसका उपयोग टेलीविजन में, कंप्यूटर मॉनिटर में, एयरक्राफ्ट में, लैपटॉप में, सेल फोन्स में, कैलकुलेटर में, डिजिटल कैमरा में, ये सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। LCD मॉनिटर्स आर थिनर, लाइटर, ऑक्यूपाई लेस स्पेस, लो पावर कंजम्पशन, लो रेडिएशन एंड सपोर्ट्स हाई रिजोल्यूशन। दीज आर सुटेबल फॉर यूज विथ बोथ कंप्यूटर पोर्टेबल एंड नॉन पोर्टेबल सिस्टम्स। यानी LCD मॉनिटर पतला होता है, हल्का होता है, ये कम जगह लेता है, ये बिजली का बचत करता है, इसका रेडिएशन बहुत कम होता है और इसका पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छा होता है। ये दोनों कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है, या तो पोर्टेबल हो या तो नॉन पोर्टेबल हो, दोनों कंप्यूटर सिस्टम में इसका यूज आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। पतला है काफी और स्पेस कम लेता है। लाइट इमिटिंग डायोड LED। लाइट इमिटिंग डायोड इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले विच यूजेज एन एरे ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स एज पिक्सल्स फॉर अ वीडियो डिस्प्ले। इसमें प्रकाश के कण को श्रृंखलाबद्ध कर पिक्चर को बनाया जाता है। देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन LCD एंड LED मॉनिटर्स, बट बेटर पिक्चर क्वालिटी इन LED मॉनिटर्स कंपेयर टू LCD मॉनिटर्स। अर्थात LCD और LED मॉनिटर में कुछ खास अंतर नहीं है, बस पिक्चर क्वालिटी LED मॉनिटर का ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू LCD मॉनिटर। इस प्रकार मॉनिटर तीन प्रकार का होता है,
एक सीआरटी मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब, दूसरा एलसीडी मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और तीसरा एलईडी मॉनिटर यानी लाइट इमिटिंग डायोड। अभी वर्तमान में कंप्यूटर के फील्ड में एलईडी मॉनिटर का यूज होता है। प्रिंटर्स, अ प्रिंटर इज द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स द इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस एंड जेनरेट्स अ हार्ड कॉपी ऑफ इट। यानी प्रिंटर मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक डाटा लेता है जो कंप्यूटर में पहले से स्टोर है और उसका हार्ड कॉपी जेनरेट कर देता है, यानी प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंटर्स आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर, एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ क्लास ऑफ प्रिंटर्स डैट क्रिएट इमेज बाय मेकिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट्स विथ एन इंक रिबन एंड पेज। अर्थात इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर है जो इमेज को बनाता है फिजिकल कॉन्टेक्ट करके इंक रिबन और पेज के द्वारा, यानी वह प्रिंटर जिसका रिबन पेज को टच करे और तब प्रिंट करे तो वह इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। यानी पेज को टच करके प्रिंट करने वाले प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स जिसमें ड्रम प्रिंटर्स और बैंड प्रिंटर्स आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ क्लास ऑफ प्रिंटर्स डेट क्रिएट इमेज बाय विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ पेज। अर्थात वह प्रिंटर जो पेज को बिना टच किए हुए प्रिंट करे उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस प्रिंटर में इसका रिबन पेज को टच नहीं करता है, किसी खास टेक्नोलॉजी के द्वारा पेज को प्रिंट करता है यानी पेज पे इमेज को बनाता है, इसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। यानी वह प्रिंटर जो पेज को टच करके प्रिंट करे इम्पैक्ट प्रिंटर, और वह प्रिंटर जो पेज को बिना टच किए हुए प्रिंट करे किसी खास टेक्नोलॉजी के द्वारा तो उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इट इज एन अर्ली टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इन्वेंटेड इन 1969 बाय डेविस एस ली। द प्रिंटर यूजेज अ मेटल और प्लास्टिक डिस्क कंटेनिंग ईच ऑफ द लेटर्स, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स इट सपोर्ट्स। व्हेन Something is printed, the printer rotates the disk to each character and then using a hammer strikes each character into an ink ribbon to create the character on paper. Daisy wheel printers were popular in the 1970s and 1980s but are no longer used because of they have a low quality of print, are very slow, loud and laser printers have come down in cost. डीजी व्हील प्रिंटर बहुत पुराना प्रिंटर है। शुरुआत में इस प्रिंटर का निर्माण हुआ था 1969 ईस्वी में। डेविस एस ली नाम के आदमी ने इस प्रिंटर का निर्माण किया था। इस प्रिंटर में मेटल या प्लास्टिक का डिस्क होता था जिसमें सारे लेटर, नंबर और जो भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज होता है वो सब इसमें लगा हुआ रहता था, और जब भी प्रिंट करना होता था ये डिस्क घूमता था और हथौड़े की तरह इसमें एक बना हुआ था जिसके द्वारा स्ट्राइक प्रहार किया जाता था और तब रिबन के द्वारा वो कैरेक्टर छपता था। तो ये बहुत पुराना प्रिंटर था जिसका यूज बंद हो गया। इस प्रिंटर का यूज 1970 में और 80 में, 70 से 80 के बीच में काफी हुआ था, लेकिन इसी समय अच्छे क्वालिटी का प्रिंटर आ गया था जिसका नाम था लेजर प्रिंटर।
कम दाम में और अच्छे क्वालिटी का प्रिंटर आ गया था, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत लो था और ये वेरी स्लो, काफी स्लो काम करता था, और इसका जो साउंड था काफी ज्यादा साउंड था, जिस ढंग से जनरेटर आवाज करता वैसे ये काफी आवाज करता था, तो इस वजह से इसका यूज बंद हो गया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डॉट्स टू फॉर्म एन इमेज। इट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम इन अ डॉट मैट्रिक्स इमेज। द इमेज क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाई द नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई सिंट्रोनिक इन 1970। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स यूज प्रिंट हेड टू शूट इंक और स्ट्राइक एन इंक रिबन टू प्लेस हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ लिटिल डॉट टू फॉर्म टेक्स्ट एंड इमेज। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इमेज डॉट के द्वारा बनता है, यानी ए बने, बी बने, सी बने, कोई भी कैरेक्टर, कुछ भी आप जब लिखेंगे तो डॉट के फॉर्म में उसका निर्माण होता है। जैसे आप रेलवे के टिकट को देखे होंगे, उसमें डॉट के द्वारा प्रिंटिंग होता है, यानी जो भी प्रिंट होगा डॉट में, तो उसमें होता क्या है कि जिसमें ज्यादा डॉट हो उसका क्वालिटी अच्छा होता है। तो ये एक बार में, ये प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है और मैट्रिक्स इमेज का, जो डॉट के मैट्रिक्स के द्वारा इमेज का निर्माण करता है, यानी डॉट के द्वारा इमेज का निर्माण करता है, और इसमें इमेज का क्वालिटी निर्धारित होता है कि कितने इंच में, एक इंच में कितना डॉट है। अगर एक इंच में ज्यादा डॉट है तो क्वालिटी अच्छा है, और अगर एक इंच में डॉट कम है तो क्वालिटी उसका अच्छा नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का निर्माण सिंट्रोनिक नाम की कंपनी ने 1970 ईस्वी में बनाया था। इसमें हजारों डॉट को एक साथ, छोटे छोटे डॉट को एक साथ मिला के और तब टेक्स्ट या किसी इमेज का निर्माण किया जाता है। यानी कि कुल मिला के आप समझिए कि डॉट के द्वारा इमेज का निर्माण होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। नॉर्मली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर स्लो, हैविंग प्रिंटिंग स्पीड्स इन द रेंज ऑफ 30 to 600 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। दे आर चीप इन टर्म्स ऑफ बोथ इनिशियल कॉस्ट यानी परचेजिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अर्थात प्रिंटिंग कॉस्ट। यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफी स्लो होता है, इसका प्रिंटिंग स्पीड 30 से लेके 600 करेक्टर पर सेकेंड। यानी कि अगर लो क्वालिटी का आप प्रिंटर खरीदे हैं तो कम उसका स्पीड होगा, अगर अच्छा प्रिंटर खरीदे हैं तो उसका स्पीड काफी अच्छा होगा। मैक्सिमम इसका स्पीड अभी 600 करेक्टर पर सेकेंड है। ये परचेजिंग कॉस्ट भी इसका कम होता है, यानी कि आप जिस समय खरीदेंगे परचेज प्राइस इसका कम होता है, और साथ साथ प्रिंटिंग का प्राइस जो होता है वो भी कम होता है। प्रिंटिंग का प्राइस कम इसलिए होता है कि इसमें डॉट के द्वारा इमेज का निर्माण होता है, यानी सबसे पहले तो इंक बहुत कम लगेगा, और डॉट में जब निर्माण हो रहा है तो पेज का जो क्वालिटी होगा वो अगर खराब भी है, लो क्वालिटी भी है, तो आसानी से उस पर प्रिंट हो जाएगा। जनरली आप देखे होंगे सहारा में, LIC में, या बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर है जहां पर फ्री में प्रिंट करके और दिया जाता है, वहां पे लो क्वालिटी का प्रिंट होता है। यानी कि पेज भी आपका लो क्वालिटी का होगा और प्रिंटिंग भी उस पर लो क्वालिटी का होगा, यानी कि डॉट में किसी चीज को प्रिंट करके और तब दिया जाता है, तो वहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाता है। जहां पे फ्री में किसी चीज को प्रिंट करके देना है और ज्यादा मात्रा में उसको प्रिंट करके देना है, तो वहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है। लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर्स, बैंड प्रिंटर्स एंड ड्रम प्रिंटर्स आर लाइन प्रिंटर्स। अ लाइन प्रिंटर इज हाई स्पीड प्रिंटर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग एन इंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट वंस। अ लाइन प्रिंटर में बी कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग ओवर 3000 लाइन्स पर मिनट। चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। लाइन प्रिंटर वह प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर दे, और इसी के लिए इसका नाम है लाइन प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर भी पहले यूज होता था, अभी भी यूज होता है, पैक हुआ करता है ड्रम प्रिंटर।
चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर जो हैं एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, अतः इसे लाइन प्रिंटर कहा जाता है। और इसका स्पीड है 3000 लाइन एक मिनट में ये प्रिंट कर सकता है। तो चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर का स्पीड है 400 से 3000 लाइन पर मिनट, और ड्रम प्रिंटर का 300 से 2000 लाइन पर मिनट इसका स्पीड है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, फर्स्ट डेवलप्ड एट जीरोक्स PARC बाय गैरी स्टार्कवेदर एंड रिलीज्ड इन 1971 that utilized laser technology to print image on the paper. It prints one page at a time, so it is also called page printer. Laser printers produce high quality output. This printer is faster in printing speed than other printers. There are two types of laser printer, black and white laser printer and color laser printer. The black and white laser printers has only one toner drum, but color laser printer has four color toners. Laser printers are faster in printing speed than other printers. A laser printer may be capable of printing 10 to 200 pages per minute. These printers are more expensive than other types of printers. लेजर प्रिंटर का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था गैरी स्टार्कवेदर द्वारा जीरोक्स पार्क नाम के कंपनी में, और ये लेजर टेक्नोलॉजी द्वारा इमेज को प्रिंट करता है। लेजर टेक्नोलॉजी यानी लेजर लाइट के माध्यम से फोकस करता है और उसके माध्यम से इमेज को प्रिंट करता है। यह एक बार में एक पेज को प्रिंट कर देता है और इसीलिए इसे पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, हाई क्वालिटी देता है, और जितना भी आप प्रिंटर पढ़े हैं उस प्रिंटर से सबसे अच्छा क्वालिटी इसका होता है। यह स्पीड में भी काफ़ी फास्ट है और सारे प्रिंटर से काफ़ी फास्ट काम करता है, क्योंकि एक बार में एक पेज को प्रिंट कर देता है। ये दो प्रकार का होता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर लेजर प्रिंटर होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उसमें एक ही टोनर ड्रम यानी जो इंक डाला जाता है उसमें एक ही टोनर ड्रम होता है, इंक डालने के लिए एक ही ड्रम उसमें दिया हुआ रहता है। लेकिन जो कलर प्रिंटर होता है, कलर लेजर प्रिंटर होता है, उसमें चार टोनर दिया हुआ रहता है कलर के लिए। ये स्पीड में काफ़ी फास्ट होता है, सारे प्रिंटर से तेज काम करता है, सबसे अच्छा इसका क्वालिटी होता है। इसका स्पीड कम से कम 10 पेज पर मिनट का होता है और अधिक से अधिक 200 पेज पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है। ये कुछ कम भी हो सकता है, कुछ अधिक भी हो सकता है। ये प्रिंटर काफ़ी खर्चीला होता है और प्रिंटर के अपेक्षा। इंकजेट प्रिंटर्स, This printer is also called character printer because it forms one character at a time. The most popular printer of home computer user that prints by spraying some drops of quick drying ink on paper. The ink is stored in disposable ink cartridge. Often a separate cartridge is used for each of the major colors. The printing speed of these printers is 40 to 300 characters per second. इंकजेट प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। यह प्रिंटर घर के यूज के लिए काफी फेमस है, घर में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा कम खर्च में ये मिलता है। और इसमें कैरेक्टर का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है तो पेज को टच करके तो प्रिंट करेगा नहीं, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रिंट करता है स्प्रेइंग सम ड्रॉप ऑफ क्विक ड्राइंग इंक ऑन पेपर, यानी पेपर पर कुछ ड्रॉप जो होता है, कुछ बूंद उसको स्प्रे करता है, और वो जो कलर होता है वो तुरंत सूख जाने वाला होता है, यानी कि स्प्रे किया, कैरेक्टर बना और वो तुरंत सूख जाता है। इंक इसका डिस्पोजेबल इंक कार्टिज, यानी जो कार्टिज यानी जिसमें इंक होता है, तो डिस्पोजेबल इंक का कार्टिज होता है उसमें इंक होगा, या सेपरेट कार्टिज का यूज करता है अपने कलर को रखने के लिए।
यानी कि कहीं भी आप कलर रख सकते हैं इस दोनों में से। इसका स्पीड 40 कैरेक्टर से 300 कैरेक्टर पर सेकेंड होता है और इसका यूज घर में काफी होता है। प्लॉटर, प्लॉटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। इंस्टेड ऑफ टोनर प्लॉटर्स यूज अ पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल टू ड्रॉ मल्टीपल कंटिन्यूअस लाइन्स ऑन टू पेपर। प्लॉटर्स कैन वर्क ऑन वेरी लार्ज शीट्स ऑफ पेपर व्हाइल मेंटेनिंग हाई रिजोल्यूशन। दे कैन प्रिंट ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लैट मटेरियल्स इंक्लूडिंग प्लाईवुड, एल्यूमिनियम, शीट स्टील, कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक। इट इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ अ बिल्डिंग, डिजाइन ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। अर्थात प्लॉटर का यूज वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे इसके पहले आप प्रिंटर पढ़े तो उसमें टोनर का यूज हुआ, उसमें इंक वगैरह डाल के और तब उसका काम हुआ। जैसे कुछ था कि पेज को टच करके प्रिंट कर रहा था, कुछ था जो पेज को बिना टच किए हुए प्रिंट कर रहा था। उसमें क्या था कि कभी कभी क्या होता है, जो भी आप प्रिंट कर रहे हैं उसमें कहीं कुछ ज़्यादा प्रिंट हो जाएगा, कहीं कुछ कम, यानी कहीं कुछ कम इंक पड़ेगा और कहीं ज़्यादा इंक चला जाएगा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है प्रिंटिंग में। लेकिन प्लॉटर क्या करता है, इंक के जगह पर, टोनर के जगह पर प्लॉटर पेन का यूज करता है, पेंसिल का यूज करता है, मार्कर का यूज करता है, ताकि जितना वहाँ प्रिंट करना है, जितना पतला लाइन या मोटा लाइन या जो भी कैरेक्टर जैसा लिखना है वैसा ही वहाँ पे प्रिंट हो, वहाँ पे लिखाए। इसका यूज बड़े बड़े सीट पर प्रिंट करने के लिए, बड़े बड़े पेपर पर प्रिंट करने के लिए होता है, जहां पर रिजोल्यूशन को मेंटेन किया जाता है। जैसा रिजोल्यूशन हो वैसा ही प्रिंट करना हो, यानी हाई रिजोल्यूशन को मेंटेन करना हो, अच्छा क्वालिटी मेंटेन करना हो, तो उस जगह पे प्लॉटर का यूज किया जाता है। इसका प्रयोग कर प्लाईवुड या एल्युमिनियम या स्टील के सीट पर या कार्डबोर्ड पर या प्लास्टिक पर इसके द्वारा प्रिंटिंग किया जाता है, यानी बड़े बड़े सीट्स पर इसके द्वारा प्रिंट किया जाता है। छोटे प्रिंटर के माध्यम से बड़े बड़े सीट पर प्रिंट नहीं हो सकता है, अर्थात प्लॉटर का यूज करके ये सारे पर प्रिंट किया जाता है। आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग बनाने से पहले, भवन बनाने से पहले उसका ब्लू प्रिंट बनाया जाता है, आर्किटेक्चरल प्लान बनाया जाता है कि किस ढंग से बनेगा, अगर किसी नगर को बसाना है तो कैसे बसाना है, किस साइड से रोड होगा, किधर नाला होगा, किधर अपार्टमेंट बनेगा, कहाँ स्विमिंग पूल होगा, कहाँ पर क्या बनाना है, तो इसके लिए पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि कैसे करना है। और उसको, चूंकि वो बड़ा होता है तो उसे प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है, प्लॉटर के द्वारा उसको प्रिंट किया जाता है और उसके बाद उसको बनाया जाता है। या मैकेनिकल कंपोनेंट, एयरक्राफ्ट के मैकेनिकल कंपोनेंट या बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट को बनाने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर, ए ड्रम प्लॉटर इज ऑल्सो नोन एज रोलर प्लॉटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्रम ऑफ रोलर on which a paper is placed and the drum rotates back and forth to produce the graph on the paper. Drum plotters are used to produce continuous output. यानी प्लॉटर दो प्रकार का होता है, पहला है ड्रम प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर को रोलर प्लॉटर भी कहा जाता है। इसमें एक रोलर लगा हुआ रहता है जिसमें पेपर को लपेट के रखा जाता है और उसी को, उसी पे प्रिंटिंग होता है। नेक्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर। अ फ्लैट बेड प्लॉटर इज ऑल्सो नोन एज टेबल प्लॉटर। इट प्लॉट्स ऑन पेपर डेट इज स्प्रेड एंड फिक्स ओवर अ रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल।
यानी फ्लैट बेड टेबल नॉर्मल टेबल टाइप का प्लॉटर होता है। यानी प्लॉटर दो प्रकार का, एक ड्रम प्लॉटर जो ड्रम टाइप का होगा यानी गोल होगा, और एक फ्लैट बेड प्लॉटर जो बेड के टाइप का होगा जिसे टेबल पर आसानी से रख के और प्रिंट किया जा सकता है। तो ये दोनों प्लॉटर का टाइप है और ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस डैट कैन टेक इमेज जेनरेटेड बाय अ कंप्यूटर और ब्लू रे प्लेयर एंड रिप्रोड्यूस प्रोजेक्ट देम ऑन टू सम सरफेस सच एज अ क्लोथ स्क्रीन और वॉल। इट इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस टू अ ग्रुप ऑफ पीपुल विथ डायरेक्ट यूज ऑफ अ कंप्यूटर लाइक मोनिटर्स। प्रोजेक्टर्स प्रोवाइड अ टेम्पोररी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अर्थात स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या ब्लू रे प्लेयर में जो आपका डाटा है उस डाटा को लेता है और रिप्रोजेक्ट करता है यानी दोबारा दिखाता है या तो क्लॉथ्स पर या तो वॉल पे। आप देखे होंगे सिनेमा हॉल में देखे होंगे या स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में देखे होंगे प्रोजेक्टर का काफ़ी यूज होता है। क्या होता है लैपटॉप या कंप्यूटर से प्रोजेक्टर को जोड़ दिया जाता है और कंप्यूटर पर जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्टर के माध्यम से या तो आप पर्दा लगाए हुए हैं उस पर्दा पर दिखाई देता है या वाल दीवाल आपका साफ दीवाल है उस दीवाल पे भी दिखाई देता है। तो इसका यूज तब किया जाता है जब बहुत सारे आदमी को प्रेजेंटेशन दिखाना हो या कुछ भी दिखाना हो कंप्यूटर के द्वारा। चूंकि एक छोटे से कंप्यूटर कंप्यूटर का स्क्रीन काफी छोटा होता है या लैपटॉप का स्क्रीन काफी छोटा होता है, वहां पे अगर आप 100 आदमी को बैठा दे और बोले देखो तो वहां पर तो दिखाई देगा नहीं। तो उस स्थिति में प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई देता है। आप सिनेमा हॉल में चले जाइए और एक छोटा सा टीवी लगा दिया गया है और वहां पर 1000 आदमी को बैठा दिया गया, क्या वह दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो उस स्थिति में प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। आप देखे होंगे सिनेमा हॉल में पीछे से फोकस आता है यानी पीछे से प्रोजेक्टर चलते रहता है और वो पर्दा पर सामने दिखाई देता है और उसके माध्यम से आप जो भी मूवी है उस मूवी को देखते हैं। तो प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या ब्लू रे प्लेयर के माध्यम से डाटा लेता है और उसे प्रोजेक्ट करता है। और यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, जितना देर चालू रहेगा उतना देर ही आप देख सकते हैं, बंद हो जाएगा तो फिर आपको आउटपुट नहीं दिखाई देगा, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे मॉनिटर है उसी ढंग से आपका ये प्रोजेक्टर है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम। अ वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम इज अ कंप्यूटर इंटरफेस विच रिस्पॉन्ड टू वॉयस कमांड्स इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इनपुट्स फ्रॉम अ माउस और अ कीबोर्ड। इट इज अ टाइप ऑफ स्पीच सिंथेसिस वेयर सेंटेंसेस आर ऑर्गेनाइज बाय कंकैटिनेटिंग प्री रिकॉर्डेड वर्ड्स सेव्ड इन अ डाटाबेस। अर्थात वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम एक सिस्टम है जो आपके वॉयस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, यानी पहले से आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ वॉयस रिकॉर्ड करके और रखा हुआ है जिसे स्पीच सिंथेसिस ऑर्गेनाइज करके उसको कनकैटिनेट यानी आपस में जोड़ के जो भी रिकॉर्डेड वर्ड है जो भी वॉयस है उसको रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के डाटाबेस में रखे हुए है और आप अगर कुछ बोलते हैं तो आपके वॉयस का वहाँ मिलान करता है और मिलान करने के बाद उसके रिकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है। तो ये वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम है, यानी वॉयस के रिगार्डिंग आपको रिस्पॉन्स जब दे तो वो वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम कहलाता है। और यह एक आउटपुट डिवाइस है, चूँकि आप कुछ इंटर किए यानी विदाउट कीबोर्ड और माउस के आप इनपुट दिए यानी आप साउंड बोले और वो साउंड पहले से सिस्टम में रिकॉर्डेड है और उसके माध्यम से यानी जो साउंड रिकॉर्ड है उस साउंड से मैच करता है और मैच करने के बाद आपको रिजल्ट देता है। तो ये आपका वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम है। जैसे अभी आप नॉर्मली देखें कि मोबाइल को ओपन करने के लिए वॉयस का यूज किया जा रहा है, आप कुछ बोलेंगे आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। तो पहले से आप रिकॉर्ड करके उसमें रखे हुए हैं साउंड को और उस साउंड से मैच करता है,
जो अभी आप बोल रहे हैं और पहले जो आप बोले हुए हैं उस साउंड से आपके साउंड को मैच कराता है और तब उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स देता है। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम, वॉयस रिप्रोडक्शन सिस्टम। अ वॉयस रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रोड्यूसेस एन ऑडियो आउटपुट फ्रॉम अ सेट ऑफ प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रिस्पॉन्सेस। द प्री रिकॉर्डेड साउंड्स आर फर्स्ट कन्वर्ट्स इंटू डिजिटल डाटा एंड परमानेंटली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। वेन द ऑडियो आउटपुट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड द एप्रोप्रिएट साउंड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द प्री रिकॉर्डेड साउंड एंड द सेलेक्टेड साउंड कन्वर्टेड बैक इंटू एनालॉग फॉर्म एंड इज देन सेंड टू द स्पीकर टू प्रोड्यूस द ऑडियो आउटपुट। इट यूज इन ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू कस्टमर्स ऑन हाउ टू यूज द ATM। अर्थात वॉयस रिप्रोडक्शन सिस्टम नाम से ही स्पष्ट है, वॉयस को रिप्रोडक्ट करेगा यानी दोबारा उसको बनाएगा, मॉडिफाई करेगा। ए वॉयस रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रोड्यूसेस एन आउटपुट, ऑडियो आउटपुट फ्रॉम अ सेट ऑफ प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रिस्पॉन्स। यानी बोल रहा है कि वॉयस रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या करता है कि पहले से रिकॉर्डेड ऑडियो जो उसके कंप्यूटर में सेव है, जो उसके मेमोरी में सेव है, उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट देता है। होता क्या है कि पहले से आपके साउंड यानी कि साउंड को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में डिजिटल डाटा में रखा जाता है, यानी डिजिटल सिग्नल में साउंड को रिकॉर्ड करके रख दिया गया, और जिस समय भी उसको आउटपुट देना है यानी आउट करना है, स्पीकर पर लाना है, तो आउटपुट आने से पहले उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कन्वर्ट करने के बाद स्पीकर पर वो आता है। तो जनरली इसका यूज मशीन वगैरह में किया जाता है, जैसे एटीएम मशीन में फुल गाइडेंस ये बताया जाता है कि एटीएम मशीन कस्टमर कैसे यूज करेगा। आप एटीएम मशीन यूज किए होंगे, मशीन के सामने जाइए और उस समय टोटल जानकारी आपको बोल के वहां से देता है कि आप एटीएम डालिए, कार्ड डालिए, जो भी आपका एटीएम पिन गलत है, जो भी जानकारी हो वो टोटल जानकारी वॉयस के माध्यम से देता है। तो इसके अंदर वॉयस रिप्रोडक्शन सिस्टम लगा हुआ है जो आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीच सिंथेसाइजर, स्पीच सिंथेसाइजर इज यूज फॉर आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच। स्पीच सिंथेसाइजर का यूज आर्टिफिशियल आवाज बनाने के लिए किया जाता है, यानी बनावटी आवाज बनाने के लिए स्पीच सिंथेसाइजर का यूज किया जाता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे आर्टिफिशियल आवाज, आपको बनावटी आवाज आपको सुनाई देता है, तो वो स्पीच सिंथेसाइजर के द्वारा बना के प्रोड्यूस किया जाता है। तो यह एक आपका आउटपुट डिवाइस है।